आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक ज्वेलरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि कल लाल जी के प्राइस देखने में हो गए शौक या 13,000 में रेंटल। तो आज हम जाएंगे चांदनी चौक और सदर मार्केट और वहाँ देखेंगे कि कितना का प्राइस पड़ता है। तब तक मैं सी मम्मी कर रही हूँ, तब तक मैं हो जाती हूँ थोड़ी तैयार, क्योंकि कल बिल्कुल ऐसे घूम रही थी ना, अच्छा नहीं लग रहा था, कल मेरे साथ धोखा हो गया था। यानी वैसे आज मैं होंगी पहले तैयार, अपने सूजे मुँह का कुछ काम करूंगी, उसके बाद मैंने मम्मा को भी करूंगी थोड़ा सा तैयार, फिर हम जाएंगे शॉपिंग। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो ये है मेरी मेकअप किट, जिसमें बहुत ही अलग अलग टाइप के फाउंडेशन है, हुडा का है, बॉबी का है, एंड दिस के क्या नाम है, के मैं भूल जाती हूँ, के ब्यूटी का है ना ये, और जो भी हो ठीक है, शेफोरा का, ये मेरा फेवरेट है अपेरेंटली, पता है इन सब में सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट ये है ठीक है। उसके अलावा टू टाइप के प्राइमर्स हैं, और आजकल मेरा न्यू फेवरेट चल रहा है ये टेंटेड क्रीम हेलो की, ठीक है, बाहर शोर मच रहा है वो अलग बात है ठीक है। तो अभी मैं होती हूँ थोड़ा सा रेडी, एंड सी सून। तो ये देखो मैंने आज ये फ्रॉक टाइप ड्रेस पहनी है, साथ में मैंने ये वाला बैग कैरी करा है, दिस बैग है टेकन फ्रॉम दिस जयपुर से लेकर आई थी, नॉर्मल शॉप का नाम याद नहीं पर स्कूल, और साथ में ये वाली बैंगल्स पहनी। तो मेट्रो से जाने का प्लान करा है, भाई हमें साकेत मेट्रो छोड़ेगा, वहाँ से हम चांदनी चौक की मेट्रो लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने पर्स में क्या रखा है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो सनस्क्रीन, क्योंकि देखो ब्राइडल ग्लो के साथ मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। उसके अलावा मैंने अपने लिए रखा है मैक का स्टूडियो फिक्स, जो मेरा फेवरेट है ठीक है, और मतलब इट्स जस्ट वर्क लाइक मैजिक, एकदम सब कुछ मैडिफाई कर देता है, और NC25 की शेड में है, आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। उसके अलावा मैंने कुछ लिप कॉम्बो रखे हैं, जो आज लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ उसके लिए मैंने लिप कॉम्बो रखे हैं। सबसे पहले तो ये नायका का लिप लाइनर है, और ये नायका की लिक्विड लिपस्टिक है बॉम्बे शेड में। इसके अलावा ये आप देख रहे हैं जो अलग सी बॉटल आपको दिख रही है, एक्चुअली क्या है, मैक की लिपस्टिक जो मुझसे टूट गई थी लेडी बाय वू की शेड में, ये वो रख रखी है मैंने, तो इसको मैंने इस बॉटल के अंदर डाल दिया था क्योंकि लिपस्टिक मुझसे टूट गई थी। तो अल्टीमेटली ये कॉम्बोज यूज़ करके मुझे ये इस टाइप की लिप शेड देता है। देखो मेरी दोनों लेडीज की उम्र लगी है टोकन खरीदने के लिए, सो चांदनी चौक में बी ट्रस्ट, तो वी ऑप्ट फॉर दिस मेट्रो, मेट्रो से जाएंगे। इतनी बार मैंने गाड़ी से जाइए ना, बहुत मुसीबत है, बिल्कुल फिट है, दोनों में कंपटीशन चल रहा है कौन ज़्यादा फिट रहेगा शादी तक, ये देखो। तो चांदनी चौक में ज्वेलरी मिलती है ये तो सबको पता है, बट सदर बाज़ार में उससे भी अच्छे दामों पे ज्वेलरी मिल जाती है, वेरी फ्यू नोस। तो आज सबसे पहले हम जाएंगे सदर बाज़ार और देखेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें वहाँ पे मिलेगा या मम्मी नहीं? हमारी गाइड टूर है, देखो कैसे बैग टांग के चल रही है। तो मम्मी का आइडिया को फॉलो करते हैं हम सदर के लिए निकले, तो लेकिन भाई सच बताऊं सदर आना एक बहुत बड़ी हसल है, बहुत जाम था, मैं नहीं रिकमेंड करूंगी। जैसे तैसे मैं वहाँ पे सदर पहुंची, मार्केट देख के, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं मुझे बहुत डर था कि मुझे मेरे पसंद की चीज़ वहाँ पे मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट मुझे मिली नो डाउट, और अच्छे दामों में मिली। सदर आने के लिए हसल तो बहुत करना पड़ा, बट आई गेस द स्ट्रगल वर्थ द प्राइस। तो मैंने अपनी बहुत सारी ज्वेलरीज ले ली है, एंड सीरियसली मैं लालजी गई थी लास्ट टाइम कल्याणी, तो मुझे वो सेम चीज़, वो सेम क्वालिटी यहाँ पे उतने ही अच्छे प्राइस में मिली है। दीदी खुश हो, कैसी आपको कैसे लगी ज्वेलरीज? भाई आपकी शॉप का नाम क्या है? तो आई थिंक अगर आपको हसल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो शॉप में। देखो जो क्वालिटी मुझे लाजपत नगर में मिली थी उससे कई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मुझे यहाँ पे मिली, और भी ज़्यादा अच्छे प्राइस में, पर यहाँ आना मैं नहीं रिकमेंड करूँ क्योंकि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल रहा है आना। खुश हूँ मैं, लेकिन चांदनी चौक में भी आपको सेम टाइप की वैरायटी और सेम प्राइस में मिल जाता। सॉरी गाइज, मुझे ब्लॉग बीच में एंड करना पड़ा, क्या हुआ मेरे जो बैटरी थी ख़त्म हो गई थी, मैं चार्जर वगैरह पावर बैकअप कुछ लेके नहीं गई थी। सो मैं कुछ ज्वेलरीज मैंने चांदनी चौक से खरीदी, कुछ ज्वेलरीज मैंने सदर बाजार से खरीदी, हालांकि चांदनी चौक सदर बाजार में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, बस जस्ट एक्चुअली क्या है, वहाँ में मेरी मामा की शॉप है, सो मुझे लगा कि एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं है, पर बहुत भीड़ थी, मैं नहीं रिकमेंड करूंगी क्योंकि ज़्यादा मतलब कोई प्राइस डिफरेंस है नहीं। तो चांदनी जो आपको चाहिए वो अच्छा खासा आपको चांदनी चौक में मिल जाएगा। लाजपत नगर थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, बट इफ यू डोंट हैव एन प्राइस इशू तो यू कैन गो फॉर दीज शॉप्स, बट हाँ
आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं नहीं कुछ ओवर बजट में कुछ चीज़ें ना खरीदूँ, तो इसलिए मैं चली गई थी चांदनी चौक लेने के लिए. बिकॉज अगर मुझे लगता है कि मुझे लाजपत नगर में कल मैं एक्सप्लोर करती हूँ तो मुझे मिल जाता. मैंने मतलब एक्चुअली मैं लालजी पे गई, उसके मैं प्राइस देख के उसने बोला कि 13,000 रेंटल, तो मुझे लगा यार रेंटल के 13,000 तो मैं नहीं देने वाली. एनीवेज तो चांदनी चौक से मैंने अपनी मेजर सामान खरीद लिया और कुछ वहाँ से भी खरीदा था उधर से, और आई एम हैप्पी. बट यार मैंने घर आके कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट से चेक कर रही थी, तो यार ऑनलाइन भी अच्छे खासे प्राइस मिल रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने सही डिसीजन लिया या कहीं या गलत लिया. क्योंकि क्वालिटी एक चीज़ होती है जो आपको ऑनलाइन नहीं पता चलती, क्योंकि वो मैंने आज चांदनी चौक में भी देखा कि मतलब मुझे दिस क्वालिटी डिफरेंट था, सेम डिजाइन पर क्वालिटी डिफरेंस तो था, तो आई एम नॉट श्योर कि मैंने सही करा नहीं. अगर आपको लगता है, आपको कोई ओपिनियन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए. एनीवेज अभी मैं अपना थोड़ा फेशियल ट्रीटमेंट लूंगी क्योंकि बहुत टायर्ड हो गई. मैंने अपनी दी को घर बुलाया है फॉर पेडिक्योर मैनिक्योर, और थोड़ा पिचल करूंगी, बहुत पैर दब गए हैं, चूड़ा कलेरे भी आ गए हैं जो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि फिर फाइनल डेज के लिए क्या मेरे पास सस्पेंस बचेगा. यू थिंक मुझे ग्लिम्प्स देनी चाहिए अपने कलेरे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, और इसी तरीके से आगे देखने के लिए बने रहे. बाय.